बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाएं हाथ ललन सिंह ने मुंगेर लोकसभा का चुनाव जीत लिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको पीओ भारत पर हम बता रहे हैं कि मुंगेर लोकसभा में अशोक महतो की पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार अनीता देवी चुनाव हार चुकी है। देखिए प्रदीप सर हमारे साथ है, अब ये जीत हार कैसे हो गई, क्या असर पड़ा, क्या अनंत सिंह का असर था, नीतीश कुमार का क्या असर था, मोदी लहर कितनी ज्यादा थी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए सर, तीन फैक्टर काम कर रहे हैं मुंगेर में। नंबर वन पर देखें तो मोदी, नंबर टू पर यहां पर नीतीश कुमार, नंबर तीन पर अनंत सिंह। इन तीनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर लालू यादव और अशोक महतो को कैसे आप देख रहे हैं कि हार मिली है? नहीं, इसमें इसमें केवल तीन ही फैक्टर नहीं, कई फैक्टर्स थे। देखिए जो मुंगेर में जो प्रयोग लालू प्रसाद ने किया, वो प्रयोग ये था कि बिहार को फिर से 90 के दशक में ले आकर, ठीक है, वो जातीय विद्रोह, जातीय संघर्ष कराने का प्रयास था। देखिए वहां से मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ जो है अशोक महतो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही थी, अनीता देवी तो केवल एक प्रतीक थी, सिंबल थी, लेकिन चुनाव अशोक महतो वर्सेस ललन सिंह था। और वो भी नहीं कह सकते आप कि लालू प्रसाद का जो प्रयोग था ना, वो कि सवर्णों के खिलाफ वो पिछड़ों का एक गठबंधन बनाना चाहते थे, जो कि पूर्णिया मुंगेर में वो लगभग फ्लॉप रहा और ललन सिंह चुनाव आसानी से जीत गए। देखिए आपने देखा होगा खबरों में, जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए 15 दिन के लिए और पैरोल पर बाहर आने के बाद जिस तरह से लगातार मुंगेर में उनकी एक्टिविटी दिखी, काफी हद तक उसका प्रभाव भी माना जा सकता है, क्योंकि अनंत अपने इलाके में काफी प्रभाव डालते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कई फैक्टर रहा। देखिए अनंत सिंह का प्रभाव और ललन सिंह का प्रभाव, क्षेत्र एक ही है। अगर हम बात जाति की करें अगर, तो ललन सिंह भी भूमिहार है, अनंत सिंह भी भूमिहार है, ठीक है, बात उसकी नहीं। उससे अधिक बात यह है कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी की हार ये साबित करती है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था वो नहीं टूटा, ठीक है, वो मुंगेर में टूटा, लेकिन इतना नहीं टूटा जिससे कि अशोक महतो की जीत हो सके, उनकी पत्नी की जीत हो सके, ठीक है। वहां पर कई फैक्टर काम किया, एक तो मोदी फैक्टर भी था वहां पर, दूसरा ललन, जो दूसरा जो ललन सिंह ने, चूंकि ललन सिंह एक सीजन पॉलिटिशियन है, लगातार वहां काम करते रहे, लगे रहे लगातार, लेकिन अशोक महतो टपक कर आए थे, टपकाया गया था इसलिए कि चुनाव को जो है जिस प्रकार से लालू प्रसाद का प्रयास था कि जातिगत आधार पर हम चुनाव कराएं, लेकिन बीजेपी और एनडीए का प्रयास क्या था, एनडीए का प्रयास था कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो यहाँ पर, एक प्रकार से जंगल राज वर्सेस जो नीतीश कुमार का सुशासन है और बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, वो गठबंधन वहां पर चुनाव जीते, सामाजिक समन्वय का चुनाव चुनाव बने। देखिए ना, केवल मुंगेर में ही नहीं, पूरे बिहार में देखिए आप, ठीक है कि 2019 की तुलना में जो वोट का शेयर है एनडीए का, जिसका अनुमान हम लोग भी पहले से व्यक्त कर रहे थे कि इस बार डिफरेंस ऑफ मार्जिन जो है वो कम रहेगा, जो जीत हार का फैसला होगा वो कम मतों से होगा। देखिए मुंगेर में एक बड़ी बात यह है कि अशोक महतो की छवि एक डॉन के रूप में है, एक बाहुबली के रूप में है, और इस छवि वाले बाहुबली नेता को कहीं ना कहीं जो बाहुबली की छवि रखने वाले अनंत सिंह थे, उनका उनसे भी कहीं ना कहीं एक टक्कर मिली। वजह इसलिए क्योंकि हमने देखा सर सोशल मीडिया पर अनंत सिंह के बहुत वीडियो सामने आए, वायरल भी हुए, जहां वो खुले तौर पर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काफी हद तक अशोक महतो को नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरी बड़ी बात ये, अर्पिता, कि देखिए ऐसा था कि देखिए चूंकि अशोक महतो की छवि क्या है, एक बाहुबली की रही है, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार ने अनंत सिंह का सावधानी से उपयोग किया। जिस प्रकार से लालू प्रसाद या आरजेडी का प्रयास था कि संघर्ष कराने का, हिंसा कराने का प्रयास, तो एक चीज होता है ना कि कभी कभी कांटे को निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल हो सकता है, कांटे को निकालने के लिए आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो हाथ में गड़ेगा वो, ठीक है, खून निकलेगा तो आप अपने आप को खुद घायल करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार और ललन सिंह का प्रयास था कि अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकालने का, कि जिससे कि कांटे को कांटे से निकाला जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई समूह हिंसा करने का प्रयास करता है और सामने से भी ये एहसास हो जाता है कि मुकाबला करने वाला हमसे कमजोर नहीं है, तो फिर वो हिंसा करना ही बंद कर देता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक रणनीतिक उपयोग जो है अनंत सिंह का किया गया, हाँ नीतीश कुमार ने किया, लेकिन अल्टीमेटली जो जीत हुई है वहां से ललन सिंह की, जो कि आप कह सकती है जब चुनाव
एक तरह से अभियान शुरू हुआ, तो कोई ऐसा कहने की स्थिति में नहीं था राजनीतिक पर्यवेक्षक कि ललन सिंह इतने चुनाव जीतेंगे। ठीक है, चुनाव मांगा भी पड़ा है, कांटे के संघर्ष हुआ है, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं ललन सिंह। पिछली बार अगर याद कीजिए तो 2 लाख से अधिक मार्जिन से चुनाव जीते थे ललन सिंह, तो ऐसा इस बार नहीं हुआ। लेकिन अंतोगत्वा चलो, अंत भला तो सब भला, नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा वहां मुंगेर में बची है। मुंगेर में नीतीश को ललन सिंह नहीं चुनाव लड़ रहे थे, मुंगेर में नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, और ये साबित करने का प्रयास था कि क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक पे अशोक महतो का कब्जा होगा। तो ऐसा होता हुआ वहां नहीं दिखा, केवल मुंगेर में ही नहीं बल्कि वहां देखिए नालंदा में भी जो नीतीश कुमार का जो समीकरण है, जो लव कुश का और अति पिछड़ा का, वो इंटैक्ट रहा है। उसके अलावा देखिए खगड़िया में भी जो है नीतीश कुमार का जो लव कुश समीकरण है वो इंटैक्ट रहा। वहां पर जो है जिस प्रकार से लोजपा के प्रत्याशी की जीत होने वाली है, हो रही है, एक तरह से लगभग निर्णायक बात मिल चुकी है खगड़िया में भी, तो खगड़िया में भी और नालंदा में भी लगभग जीत निश्चित है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मुंगेर में अभी खुशी का माहौल जरूर होगा, जदयू वाले जो है काफी ज्यादा मिठाइयां बांट रहे होंगे, पटाखे फोड़ रहे होंगे, और ये तस्वीर देखकर कुछ लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रही होगी। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और लोकसभा चुनाव की बाकी अन्य सीटों का परिणाम भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।